खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी हमें यह मिल रही है, गांधीनगर में वो पहुंच चुकी है हीराबेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ अपने बेटे से आज सुबह 7:30 बजे के आसपास उन्होंने मुलाकात की, उनको चुनरी भेंट की, उनको अपने पसंद का हलवा भी खिलाया और श्रीफल उन्हें दिया। और अब आप देखिए हीराबा खुद चलकर, अब ये तो आकार अद्भुत है, मतलब 93 साल की है मेरे ख्याल से, 92-93। बिल्कुल नहीं, जीन्स इनके बिल्कुल ही ठीक है। ये पहली दफा होगा 1991 के बाद कि ये लाल कृष्ण अडवाणी के अलावा किसी और को दे रही होंगी वोट। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट किए हुए गुजरात को, एक ऐसा राज्य जहाँ की जुबान वो नहीं बोलते, लेकिन बहुत सा रिस्पेक्ट था उनके लिए। और ये पहली दफा होगा 28 साल में कि वो किसी और को वोट दे रही। ये देखिए हीराबा गाड़ी से उतरते हुए, ये उनके बेटे ही हैं अभय जी। अच्छा, मोदी के बड़े भाई। हाँ, उनको सहारा देते हुए। और यही हैं जो इनके कान में, क्योंकि अब बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, सुनाई भी थोड़ा मेरे ख्याल से कम देता है, तो इनको बता रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे पूछ रहे हैं जब वो चुनरी भेंट कर रही थी। और यहाँ एक अलग नज़रिया आकार देते हुए कि पहली मर्तबा होगा अभय जी कि ये वोट जो है अलग कैंडिडेट को देंगे, अडवाणी को छोड़कर किसी और को। हाँ, तो ये इस तरह के, इस बात का प्रतीक भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है वो कितनी बदल गई है। जो लोग पहले केंद्र में थे, जिन लोगों के हाथ में पहले सत्ता थी, यानी जिन लोगों को सांसद बनवा के नरेंद्र मोदी सोचते थे कि उनकी गुजरात की गद्दी सुरक्षित है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी भी उनसे गुजरात की गद्दी नहीं छीन पाए थे, जिन लाल कृष्ण अडवाणी की वजह से गोवा के भाजपा के सम्मेलन में आपको ध्यान होगा। तो आज बिल्कुल स्थिति बदल गई है, वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं हमेशा हमेशा के लिए।